आज का ये वीडियो उनके लिए है जो किसी पाप को लेकर या किसी बुरी आदत को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। सो ऐसे लोगों के लिए मैं आज का ये मैसेज बोलना चाहता हूँ। बहुत जरूरी बात, आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर अभी हाल फिलहाल में विश्वास किया हो, 5 महीना या 1 साल पहले। कोई एक पाप को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। सो मैं आपको कुछ खास बात परमेश्वर के वचन पर आधारित बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है जॉन तिर्की। मैं प्रभु यीशु मसीह का सहायता से दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाता हूँ, वीडियो के माध्यम से, तरह तरह का ट्रेनिंग के माध्यम से, और फिर साप्ताहिक बाइबल स्टडी, काउंसलिंग और प्रेयर के माध्यम से हम सहायता करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सके। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 150 से अधिक हमारा वीडियो आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने में, आत्मिक रूप से बढ़ने में, आपका जीवन में बदलाव आने में, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर में एक तरह का संघर्ष महसूस होता है, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव के बीच में। ऐसा होता है कि एक तरफ पुराना स्वभाव जो आपको पाप की ओर खींचता है, चाहता है कि हम उस अभिलाषा में या पाप में पड़ जाए जो पहले था, और नया स्वभाव जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो हमें चाहता है कि हम क्या करें, उस पाप का स्वभाव में से बाहर निकलकर पवित्र जीवन जिए। एक संघर्ष को महसूस करते हैं। इससे पहले जब पाप हम कर देते थे तो हमें कुछ रियलाइजेशन होता नहीं था कि हमने कुछ गलती किया, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही पाप हुआ है, हम ये एहसास होने लगता है कि हाँ कुछ गलती हुआ है, और पवित्र आत्मा हमें गिल्टी फील कराता है। तब हम कहते हैं प्रभु जी सॉरी, और तब हम अपना जीवन में सुधार के लिए डिसीजन लेते हैं और कोशिश करते हैं। अब कई ऐसा जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को सीधा सीधा बताता है। मैं आपके लिए एक दो वचन पढ़ूंगा। रोमियो का पत्री 7:15 से यहाँ लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी ऐसा होता है कि हम संघर्ष करते हैं और उस पाप से निकल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें पाप से बहार निकलना है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, बदल गया है। ओके, सो हम यीशु मसीह में एक नया सृष्टि हो गए, हम बदल चुके हैं। ओके, सो मैं आपको एक वचन बताऊंगा उत्साहित करने के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। दोस्तों, जब हम इस तरह का संघर्ष से होकर गुजरते हैं तो पता है एक बात, यीशु मसीह को मालूम है, वो जानता है कि ये संघर्ष हमारे अंदर में चल रहा है, और यीशु मसीह इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इस तरह का संघर्ष से होकर के गुजरा है। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए हमारा संघर्ष में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है। इसलिए अब हम लोग को क्या करना है, उस अनुग्रह के सिंहासन, मतलब यीशु मसीह जो दया करने वाला परमेश्वर है, ओके, जो अयोग्यता को योग्यता में बदलने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखना है और हिम्मत से उसके पास में आना है और कहना है कि प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए। तो यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा हमारा निर्बलता में, हमारा संघर्ष में, जिस पाप में हम संघर्ष कर रहे हैं वहां से बाहर निकलने में परमेश्वर हमें सहायता करेगा। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं?
अगर आप विश्वास करते हैं नीचे तो आप कमेंट करके आमेन लिखिए और यह वीडियो दूसरों को भी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।